पैदावार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिंट लीव्स द मैजिक किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन स्पेशल सांभर, जिसे आप इडली, वड़ा, डोसा, उत्तपम के साथ खा सकते हैं। ये घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्ट भी वही सांभर जैसी आती है। तो और इसकी एक सीक्रेट बात है कि हम इसमें सांभर मसाला नहीं यूज़ करने वाले। तो चलो इसमें लगने वाली सामग्री देख लेते हैं। कटा हुआ टमाटर 1 कटोरी, नमक, कटी हुई फूलगोभी, आलू, प्याज 1 कटोरी, मटर, कड़ी पत्ता, ड्रमस्टिक जिसे बारीक चॉप कर लिया, साबुत लाल मिर्च, इमली की चटनी। मसाले देख लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, राई, इलायची, हरी इलायची, जीरा, तेल और तुअर की दाल जिसे मैंने पका लिया है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 इलायची हरी वाली, पिंच ऑफ हिंग, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता। अदरक लहसुन की पेस्ट 3 चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। हम इसमें 1 कटोरी प्याज डालेंगे, 1 कटोरी टमाटर, 1 थोड़ी सी फूलगोभी। इसमें आप सब्जी आपकी मनपसंद चुन सकते हो, जो भी आप सब्जी पसंद करते हो खाना उसमें डाल सकते हो। इन सारी चीजों को अच्छी तरह पका लेना है 10 मिनट के लिए। धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसमें दाल डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें हम इमली की चटनी डाल देंगे जिससे खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिए। हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए कितना सुंदर रंग आया है। 7-8 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारा सांभर अच्छी तरह पक चुका है और रंग भी बहुत शानदार है और टेस्ट भी उतनी ही शानदार है। तो इसे हम सर्व कर लेंगे। गार्निश करेंगे विद धनिया पत्ती और इसे हम सर्व करेंगे विद इडली एंड चटनी। तो देखिए हमने कितने आसानी से घर पे ही इडली, सांभर और चटनी बना ली है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी जानना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।